ओके, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू वन ब्लॉग। हिमा इंग्लिश ब्लॉग में आपका स्वागत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम के 6:22 से। ये आज मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा था, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैं अपने लिए बना रही हूँ मैगी यहाँ पे। हम दिन भर सोई हैं, बस काम भी नहीं करा कुछ। खाने के बाद बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, बुखार भी आया था लग रहा है, तो भी उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही। मम्मी गई है कीर्तन में और पापा के लिए बना के दिए, पापा से कोई बनने आए हैं बाहर। और यहाँ मैं नीले बना रही हूँ मैगी। यहाँ नीले बन रही है मैगी। Day two. हमारी सुबह हो चुकी है और देखो यहाँ बैठ के, ऊपर बैठ के चाय पी जा रही है, चेयर पे बैठ के चाय पी जा रही है। बारिश हुई थी, मिट्टी की खुशबू आ रही थी मस्त का ऊपर। पापा ने रात भर मम्मी से कीर्तन करा रखा है। यहाँ से ऊपर कितने बजे? सही करा, वही सो रही थी तुम्हें। वहाँ गर्म होनी चाहिए। वहाँ गर्मी हो रही है, देखो कितना अच्छा वेदर हो सब जगह। बारिश हुई थी मस्त एकदम। ये है करेले की बेल और इसमें आ गया है फूल। एक नहीं दो दो, एक नीचे भी है ऊपर भी है, तीन। अभी तो इतनी छोटी सी है, इसको चिड़िया का हल्ला देखो। की 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 की। और मम्मी यहाँ क्या काट रहे हो तुम? सगौत। सगौत, ये हरी सब्जी। हरी सब्जी, हरी सब्जी। ये देखना कल की बारिश से और कितने बड़ा हो गया ना ये। और वहाँ चाचा जी लकड़ी काट रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ लोग काम पे लग जाते हैं। अभी देखो वहाँ पूरे में हॉल लगा हुआ है और प्याज भी हो रखा है यहाँ। और उस पेड़ से आम तोड़ूंगी आज मैं, देखो कितने सारे आम लगे उसमें। नहा लिया है और अब मैं चल रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में बनी है हरी सब्जी और रोटी। नाश्ते में मैंने बनाई थी हरी सब्जी जो मम्मी ने बीनी थी। और टीवी में मोटू पतलू, कौन कौन नाश्ता करते टाइम मोटू पतलू कार्टून देखता है, तो टाइम कुछ ना कुछ देखने का मन करता है तो मैं देखती हूँ। तो मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। ही ही। काम करने के बाद नहा धोया था, फिर भी ये हालत हो गई है। बाहर देखो अभी भी बर्तन रखे हैं धुले हुए। अब आने वाले हैं दीदी और, तो उनके लिए छोंकी जा रही है यहाँ पर दाल। और ये सासू माँ मेरी मुझ पर अत्याचार कर रही हैं। तो आज दाल बनाने में क्या हो जाएगा उसमें? तो मैं यहाँ दाल के लिए प्याज लहसुन टमाटर काटने वाली हूँ। गर्मी से हालत हो गई बुरी। आप कहते मेकअप करो, देख रहे हो हालत। दोस्तों खाना बनाकर मैं भी आ गई थी ऊपर। अभी दीदी और जिया जी भी आने वाले हैं कुछ देर में, कि क्योंकि अब मेरे को जाना है, क्योंकि शादी की तैयारियों के लिए दिल्ली से ही सब कुछ आएगा, राशन वगैरह सब कुछ, कपड़े वपड़े वो सब शॉपिंग करनी है। तो अब मैं जाऊंगी और दीदी आ जाएंगी। और गाँव में गर्मी भी दिल्ली की जैसी हो रही है, दिल्ली में भी बहुत गर्मी हो रही है, गाँव में भी उतनी ही गर्मी हो रही है। दिन में बस ये कि रात को और सुबह सुबह मौसम अच्छा होता है। और अलर्ट भी बता रखा है केदारनाथ पौड़ी की तरफ, वो शायद टीरी या पौड़ी में कहीं पर बादल भी फटा है, केदारनाथ में भी बादल फटा है, तो आज अलर्ट भी बता रखा है। तो हमारे यहाँ धनगढ़ी में मुश्किल होता है थोड़ा सा, यही है। और अभी देखते हैं कब जाना होता है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी सास ससुर जी के लिए आई थी यहाँ पर, क्योंकि मम्मी अकेली थी। और हमारे यहाँ गांव में शादी पे बहुत सारे काम होते हैं,
अभी लिपाई वगैरह बाकी है, अभी सफ़ेदी बाकी है। इस कमरे की तो लिपाई हो गई है जो कि दीदी बुआ सब ने मिल के करी थी। और भाई हम दिल्ली के लोग हैं, हम मेरे को तो कुछ आता नहीं करना, मैं सिर्फ खाना और बर्तन धो सकती हूँ। तो मेरी सास ने सिर्फ वही करवाया क्योंकि वो मुझे फोर्स भी नहीं करती काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हंसमुख हंसमुख हैं, सब हंसाते रहते हैं। और यहाँ दिखावा करने के लिए जैसा कुछ भी नहीं है, ना मुझे दिखावा करना है ना उनको वो दिखावा करते हैं। बहुत मज़ा आया, 7 दिन कैसे कट गए, पता नहीं कितने दिन में। 15 को मैं आई थी और आज क्या तारीख है, आज 23 तारीख है, 15 को मैं आई थी और आज 23 तारीख है, 15 से 23 7-8 दिन शायद हो चुके हैं। बहुत मज़ा आया, दिन कैसे लग गए, ऐसा लग रहा था कब से मैं गाँव में ही हूँ, कब से मैं गाँव हूँ। और दूसरी बात यार, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, मैं बिंदास रहती हूँ, मैं मुँहफट हूँ। मैं बदतमीज़ी तभी करती हूँ जब सामने वाला बदतमीज़ी करेगा। आप मुझे कमेंट करो, ढंग से करो, तमीज़ से बोलो कि क्या होता है कॉपी करती रहती है। मैंने जो बात कहनी है उसके लिए मैंने थंबनेल लगाया है और उस पर कोई भी इंसान का नाम नहीं लिखा हुआ है। जिसने वो कमेंट किया हुआ है मैं तो उसे बोल रही हूँ, और आप किसी और से रिलेट कर रहे हैं तो वो आपकी सोच है, आपकी समझ है, मेरी सोच समझ नहीं है। और देखो, एक जगह पे बैठ कर ना अच्छी बातें प्रवचन देना बहुत इजी होता है, उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना और लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। भाषण तो मैं भी एक मंच पे खड़े होकर बहुत अच्छा अच्छा दे सकती हूँ, पर बात वो है कि क्या मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, वो भी तो ज़रूरी है ना। और मैं यहाँ पर कुछ और पीछे से कुछ मेरे बस की तो है नहीं भाई, मैं जो भी जैसा भी दिखाती हूँ वही मेरी रियलिटी है और सच में मैं वही हूँ। क्योंकि जब आप किसी से मिले हुए होते हो ना और आप उसके मुंह से वो बात सुनते हो जो अनएक्सपेक्टेड होती है तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। और ठीक है, आप आंखें बंद करके लोग उस पर ट्रस्ट करो, मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरी बात सुनो। मेरे को अगर गलत कहा जाएगा तो मैं स्टैंड लूँगी अपना, ठीक है। वो बोलेंगी कैसे भाई, तो आप बिना मेरे बिना नाम लिए आप कहते हो कि मुझे फेम मिल रहा है, फेम ले रही हूँ मैं उससे। फेम पहले उसे खुद को तो मिल जाए, पर दूसरों को फेम देना सीखेगी वो, ठीक है। और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे बारे में अगर एक बोलेगी तो 10 सुनेगी, ये तो मैंने पहले भी बोला है। हाँ, और कमेंट आए थे जैसे उनको डिलीट करते, वैसे उसको भी डिलीट कर देती ना, बात खत्म हो जाती। इसको उसने डिलीट नहीं करा और रखा, और चाहे जिसने लिखा है मैं तो उसको बोल रही हूँ, है ना। मेरे पास स्क्रीनशॉट आएगा, उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिया तो मैंने सुना, और मैं तो स्क्रीनशॉट का रिप्लाई दे रही हूँ जो मेरे पास आया है। तो आप लोगों को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए ना, मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं करा है वहाँ पर, या तो मैं किसी का नाम मेंशन करूँगी, फ़ोटो लगाऊंगी। इस बार मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। और डॉली बिंद्रा ये वो, ठीक है, उससे तो अच्छे ही संस्कार दे रखे मेरे माँ बाप ने कि जो भी हो जैसे भी हो एक जैसे रहो। 50 मुँह नहीं, 50 दिमाग नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे पास रावण की तरह 10 सर है कि यहाँ पल में शोला पल में माशा मैं तो बन नहीं सकती। मैं जैसी भी हूँ, अगर आपको मेरी वो बातें बदतमीज़ी लगती हैं तो कोई बात नहीं। मेरे ससुराल वाले तो मुझे कभी नहीं बोलते कि तू बदतमीज़ है, मैं उनसे भी इस तरीके से बातें करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। आप लोग मेरे साथ हमेशा नहीं रहे, और जिन्होंने मुझे देखा है, जो मेरे साथ रहते हैं, उनको पता है मेरे बारे में मैं कैसी हूँ। तो वही बातें मेरे दोस्त से मैंने वीडियोज़ मांगी है, वही बातें मेरे दोस्त आप लोगों को बताएंगे कि मैं कैसी हूँ। क्योंकि मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मेरी अच्छाई बोलो, मैंने उनसे बोला है कि एक बुरी और एक अच्छी बात जरूर बताना, तो उन्होंने मेरे बारे में बताया है बताया। और कल ज़्यादा व्लॉग मैंने शूट नहीं करा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सर में दर्द, एक पैरों में दर्द हो रहा था। उसके बाद मेरी सासू माँ ने मेरी नज़र भी उतारी थी, शायद नज़र लगी होगी, और इस बार मेरे लिए कह रही कि मैं सुंदर हूँ, मोटे होने की वजह से भी नज़र लगती है क्योंकि गाँव में लोग मोटे नहीं होते, गाँव में लोग ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो मोटे इंसान को देख के उनको थोड़ा अजीब लगता है, तो नहीं चाहते हुए भी लोगों की नज़र लग जाती है। ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझ के नज़र लगाते हैं, आप वो उनके मन में नहीं भी होता है तब भी किसी किसी की नज़र लग जाती है, तो ये बात है। और जो मैं कर रही हूँ शायद वो तो 7 जन्म में भी नहीं कर पाना उसने, और क्या कहते हैं उस वो वही कर सकती है, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिविटी, और बस यही कर सकती है। और जो मुझे कह रहे हैं ना फेम, जब वो मेरे व्लॉग में आई थी ना तो मेरे सिर्फ 34 व्यू आए थे, 34, ठीक है। तो फेम पाने के लिए तो उससे भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं वहाँ जाती, और हम नहीं गए थे उसके पास, वो खुद आई थी हमारे पास, ठीक है, हम नहीं गए थे उसके पास, वो खुद हमारे पास आई थी। और हमने किसी का फ़ोटो लगा कर या किसी की बात कर नहीं करा है, 2-1 महीने तक चुप रह के मैंने चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, उसके बाद मैंने बोला है। वो गलत होते हुए भी अपने आप को सही बताएगी, और मैं सही होके भी गलत साबित हो कर लूँ अपने आप को, सॉरी भैया,
अगर एक बार बोला जाएगा तो चार बार सुनने की हिम्मत भी रखो। और वहाँ के लोग जो आ रहे हैं उनको मैं सीधे रिप्लाई देना पसंद करूँ। अभी अभी किसी का रिप्लाई आया, मैंने बोला कि उसकी फेक ऑडियंस, जो उसके द्वारा जो फेक ऑडियंस बनाई गई है, मतलब जो वो खुद से फेक आईडी क्रिएट करती है, उसने एक के साथ नहीं करा ऐसा, उसने अपने अपने घर में तक ये फेक आईडी वाला चीज़ें करी हैं। और जिन लोगों के साथ उन्होंने धोखा करा है, जिन लोगों ने मुझे बातें बताई हैं कि वो फेक आईडी से कमेंट्स करती है, तो ये नई चीज़ नहीं है कोई, ठीक है, वो करती है, तभी ये बोला गया है। नहीं तो भाई किसी को सपना आ रहा है और मुझे कोई मतलब नहीं है। और साफ सी बात है, उस जैसी लड़की से ना मैं मतलब रखना चाहती हूँ, ना ही मुझे कोई मतलब रखना है। फेम देने के लिए वो ही नहीं रहेगी दुनिया में, अपना फेम मैं खुद हासिल कर लूँगी। मेरे तो 1700 फॉलोवर्स हैं, उसके बाद भी मेरे 300 व्यू आ जाते हैं बिना कुछ एफर्ट्स करे हुए, बिना कुछ करे हुए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ खुद से, ठीक है, उसकी तरह चुगलियाँ और बकवास नहीं दिखाती मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक नई चीज़ लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि उसकी वजह से मुझे फेम मिल रहा है, तो यार आप मत दो मुझे फेम, साफ बात है, आप लोग मुझे फेम मत दो। मेरा अपना खुद का कंटेंट है, मुझे किसी से बकवास कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट आया तो भाई रिप्लाई तो मैं दूंगी ना, तो कोई बकवास करेगा तो। अगर आपके लिए कोई बोलेगा आप चुपचाप सुनोगे, मैं नहीं सुनूंगी चुपचाप। भाई मैंने किसी का लेके थोड़ी खा रखा है, अगर मैंने किसी का लिया है तो उसने मेरे से 4 गुना लिया है, ठीक है ना। और कितनी चीज़ें तो वो यूज़ करती है, उसकी मदर यूज़ करती है, मैं तो अपनी आंखों से देखती हूँ। मैं भी चाहूँ तो उसके भाई के ब्लॉग में जाके लिख सकती हूँ, उसकी मम्मी के पास कितनी बार मैंने अपना सामान देखा, मैं लिख सकती हूँ। पर मेरे घर वालों ने, मुझे पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है लिखकर, लोगों ने कोई लोग उसको जाके कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें भी छोड़ दी हैं कि मतलब होता है ना कि दान में दे दिया। एक पहलू देखकर, एक तरफा बात देखकर आप लोग जो चीज़ें डिसाइड कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, और मुझे बदतमीज साबित करके आपको क्या ही मिलेगा। मैं तो भाई अगर बिंदास होना, मुँह पर बोलना और अपनी अपना बात रखना, अपने पक्ष को रखना, अपनी चीज़ों को बताना, ये बदतमीज़ी है तो बदतमीज़ी सही है, इसको अगर बदतमीज़ी बोलते हैं। और बैठकर एक जगह पर ना संत महात्माओं वाली बात करने में और मन के अंदर के मैल में बहुत डिफरेंस होता है। आपके मन के अंदर इतना मैल भरा हुआ है और आप बातें कर रहे हो महानों वाली, तो लोगों को पागल बना सकते हैं। हम नहीं पागल बनेंगे जो कि सामने से प्रत्यक्ष आँखों से देखा हुआ है हमने कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और हर कोई जानता है कौन कितने पानी में है और कौन कितने, अरे हम लाख बुरे सही, मैं बुरी सही हूँ, मुझे अच्छे बनने की कोई ना तो ज़रूरत है। जिनको मेरे बारे में पता है मैं उनसे संतुष्ट हूँ। और मेरे इतने पुराने पुराने दोस्त हैं, इतने पुराने पुराने दोस्त हैं, मतलब स्कूल टाइम से लेकर अभी तक मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ मेरी दोस्ती को 20 साल, किसी की दोस्ती को 26 साल, कि कोई मेरे ऑफिस कलीग्स हैं उन लोगों के साथ इतना टाइम हो गया है, अभी तक वो मुझसे बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हमारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसी दोस्त मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई जो कि सिर्फ मतलब से दोस्ती हो, मतलब से आप दूसरों के घर जाते हो, ठीक है। और जो लोग आके मेरी प्रोफाइल में कमेंट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं तेरी जैसी औरत के मुंह नहीं लगना चाहिए, एक ने बोला है मुझे परसों कमेंट में, तो मत लगो मेरे मुँह, आप आ रहे हो मेरे मुँह लगने, मैं आपके घर नहीं आई हूँ आपके आपके ब्लॉग में बात करने, आप मेरे ब्लॉग में आए हो कमेंट करने के, तो मत आओ। आप लोग उसका नाम लिख रहे हो, मैंने उसका नाम नहीं लिखा है, मैंने तो थंबनेल वाली को जवाब दिया जो थंबनेल मेरे पास आया था, तो थंबनेल में कमेंट आया मैंने तो उसको जवाब दिया है। तो अगर वो नहीं है तो उसको मिर्ची क्यों लग रही है, उसको मिर्ची क्यों लग रही है, इवन आपको भी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अगर वो उसने किया है तो मैंने कहीं पर उसका नाम मेंशन किया है या कुछ भी लिखा है तो आप मुझे आके बोल सकते हैं ना। अब मैंने तो कहीं नाम ही मेंशन नहीं किया, मैंने तो कहीं लिखा ही नहीं है उसके बारे में, यहीं पे बात ख़त्म जाती है। उसने मेरे बारे में तो पता नहीं क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, वो तो मैं जानती हूँ। और मेरे से लड़ने के बाद, पल्लवी के वहाँ जाने के बाद भी मुझे बहुत सी बातें पता हैं जो कि मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि उसकी तरह गिरी भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। हाँ, मैंने सामान दिया तो मैं बोलूँगी, मैंने उसको सामान दिया तो मैं बोलूँगी ना। जब वो लोगों को कह रही है कि मैंने उसने मुझे पैसे दिए हैं, उसने मुझे पैसे दिए हैं, लोग मुझे आके बता रहे कि आपने उससे पैसे लिए हैं, अगर मैंने उससे पैसे लिए तो आ जा ना तू, मेरा सामान मेरे मुंह पे मार, अपने पैसे ले जा, मैं तो ये बोलती हूँ, आ जा मेरा सामान ले। अभी भी मेरे कपड़े वेयर करके इतनी जगह घूम रही है वो, इतनी चीज़ें पहन के घूम रही है। अगर कोई शर्म वाला इंसान होता ना, उन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाता, पता है, उन कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाता। अगर कोई शर्म वाला इंसान होता तो इतनी इज्जतदार होती तो मेरे मुँह पर मारती फेंक कर, ठीक है। तो वहीं से समझ आता है। और वैसे भी वो धरती है तो मैं आसमान हूँ, और मैं आसमान हूँ तो वो आसमान है तो मैं धरती हूँ। उसका मेरा मिलन ना कभी होगा ना कभी हो सकता है, और उससे मिलन ना तो एक बार जिसने उससे दोस्ती करी ना, दूसरी बार तो वो अब
फूक फूक के कदम रखेगा उससे दोबारा बात करने के लिए, ये आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और तो प्लीज़ अगर आपको आना है, अपने सजेशन लिखने हैं, तो आप मुझे अच्छे सजेशन दीजिए, उसका नाम लेके फालतू की बकवास करना मेरे ब्लॉग में मत आइए, क्योंकि मुझे उसकी नाम की नेगेटिविटी भी नहीं चाहिए अपने ब्लॉग में। जिसको ये लग रहा है कि उसके नाम पे फेम पा रही हूँ, मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। मेरे लिए अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैंने वहाँ थंबनेल इसीलिए लगाया क्योंकि उसी से क्लियर हो गया आप लोगों को कि उसको रिप्लाई दिया गया जो थंबनेल में जिसने कमेंट किया है। वो कोई भी हो सकती है। मेरे पास तो कितने थंबनेल आते हैं, तो मैंने पहली बार इस चीज़ को उठाकर रिप्लाई दिया है। अभी भी मेरे पास इतने थंबनेल आए हुए, मैं चाहूँ तो अभी भी उनको लगा के रिप्लाई दे सकती हूँ। पर बस मुझे ये जो उसने लिखा है, ये उसने अपने बारे में बताया है, दूसरे के बारे में नहीं। कौन क्या है और जो उसने नाम लिखा डॉली बिंद्रा, वो तो भगवान जानता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। मैंने उस डॉली बिंद्रा या उसको पढ़ के मुझे कोई चिड़ नहीं मची, मुझे चिड़ इस बात पर मची कि भाई जो बंदी नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट मारती है, हमारा नाम आता ही वो उड़ जाते हैं, तो वो कैसे छोड़ दिया उसने। क्योंकि उसको चाहिए कॉन्ट्रोवर्सी ना, तो उसको कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, क्योंकि वही तो बात आ गई ना। और मुझे किसी ने बोला कि आपने बोला है उसके कपड़े उतार दूंगी, मैंने ये बोला है कि उसके खुद के घर के लोग, मेरी लाइन को ध्यान से सुनना और कमेंट करने से पहले व्लॉग को भी ध्यान से देखा करो, उसके घर के लोग खुद उसके कपड़े उतार रहे हैं, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये कहा है। तो ये एक कहावत भी हो सकती है, और वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नज़रिया देखने का कि आप उसको ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे, ठीक है, वो आपका नज़रिया है। अपना नज़रिया मेरे पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बोला है वो समझ आ रहा है, जो मुझे समझते हैं उनको समझ आ रहा है जो मैंने बोला है, पर आप उस बात को किस तरीके से रख रहे हैं वो आपकी समझ है। तो यही बात है। और दूसरी बात यार, इतना फालतू का टाइम मेरे पास है भी नहीं, मैं अपने घर पे परिवार में बहुत बिजी हूँ, मुझे इतने फालतू के ना तो टाइम है कि मैं किसी दूसरे बंदे किसी के बारे में बात करूँ कुछ करूँ। मैं अपने नॉर्मल व्लॉग बना रही हूँ। उसको चुल थी, उसने जो बात बोली उसके बाद जो कमेंट आया, पहले वो डिलीट करती थी, अब उसने डिलीट नहीं करा वो कमेंट, उसका रिप्लाई दिया, लोगों ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा, तो रिप्लाई तो बनता है भाई। अगर कोई आपके लिए फालतू बोलेगा तो रिप्लाई तो देना पड़ेगा। मेरे पास स्क्रीनशॉट आया तो मैंने उस कमेंट करने वाली को रिप्लाई करा है ना, तो आप लोगों को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। वो तो मेरा राइट है ना, अगर कोई मुझे गलत बोलेगा तो उसको तो मैं बोलूंगी, या वो भी नहीं है मेरा राइट भाई। स्वतंत्र भारत है, हर किसी को आज़ादी है अपने बारे में बोलने की, ठीक है। मैं ब्लॉग में कुछ और, कमेंट्स में कुछ और नहीं दिखना चाहती हूँ। जो मुझे सही लगता है वो मैं कर रही हूँ, और जिसको नहीं समझ आता है तो मत देखो, साफ सी बात है भाई, मत देखो। व्यू से क्या मतलब है और फेम से क्या मतलब है? फेम तो वाली बात तो आप ऐसे करो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी यूट्यूबर है वो, और उससे मुझे फेम मिलेगा। फेम में पाना होता ना तो बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से बात कर सकती हूँ मैं। मेरा खुद का अपना बिजनेस पेज है, किट्टो विट्टो से मैं तो मेल कर सकती हूँ उन लोगों को, उनसे बात कर सकती हूँ। इवन मेरी फ्रेंड का पेज है, उससे किट्टो कितनी चीज़ें अपने लिए मंगाती है, मैं चाहूँ तो अपनी फ्रेंड को बोल दूँ कि मेरी बात करा दे उससे। मेरे पास भी बहुत से सोर्स हैं, बहुत से लिंक है फेमस होने के लिए। मैं नहीं करना चाहती, मैं अपने आप से होना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार करके देख लिया है कि मैंने जब वो अपना पेज बनाया था, सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैंने आँख बंद करके ये सोचा कि उत्तराखंड से है, अपने आदमी को पहले मौका देना, प्रेफरेंस देना चाहा कि मैं दूसरे को क्यों दूँ, उत्तराखंड से मैं भी हूँ, उत्तराखंड से वो भी है, तो उसको मैंने प्रेफरेंस दी। तो लोग लायक नहीं होते प्रेफरेंस के, वो किसी की प्रेफरेंस के लायक भी नहीं है, अपना अपने घर के ना किसी के, और वो आप लोग खुद ही बता देते हो, मुझे तो साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी व्लॉग में कि मेरे व्लॉग्स में आकर फालतू का उसका नाम लिखने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करो, उसका नाम ले रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हो, अरे यार इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना। अगर मैंने थंबनेल लगाया तो उसी थंबनेल में जिसने कमेंट करा उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, वो कहाँ से आ गई वहाँ पर। वो तो थंबनेल वाले के बारे में बात हो रही है जिसने थंबनेल में जो कमेंट है उसको बोला है मैंने, ठीक है। अगर आपको आपके अंदर इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर बार एक्सप्लेन करती रहूं। आज मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही हूं कि थंबनेल में मैंने जो कमेंट लगाया है उसके लिए वो बातें बोली गई हैं। और अगर वो किसी व्यक्ति, पशु, किसी से भी रिलेट कर रहे हो आप, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। और मेरे को जो सही लगेगा मैं वो करूँगी। मुझे अगर किसी ने गलत बोला तो उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मैं भी क्यों सुनूँ भाई फालतू की। अगर वो भगवान बता रही है तो मैं भी शैतान नहीं हूँ, मैं भी अपने लिए भगवान ही हूँ, ठीक है। तो और भाई किसी को, मेरे को तो समझ में ये नहीं आता कि कोई अपने आप को इतना एक्सप्लेन करता ही क्यों है। साफ समझ आता है कि वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहती है और खुद को ऊंचा उठाना चाहती है। वहीं से समझ आ जाता है कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना नहीं है। जो बंदा अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ता वो हमें क्या छोड़ेगा, हम तो उसके लिए 100 हाथ दूर है। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी।
और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा नहीं लिख सकते तो आपको बुरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बदतमीज़ी से अगर कमेंट करेंगे तो वो कमेंट अब से मैं डिलीट मार दूंगी। मैं अपने ऑन कैमरा बोल रही हूँ इस बात को, अगर आपको कमेंट लिखना है, अपना सजेशन लिखना है तो तमीज़ के साथ लिखो। बदतमीज़ से आप लोग खुद लिखते हो और जब उसका जवाब उसी बदतमीज़ी में मिलता है तो आप कहते हो कि तू बदतमीज़ है, तो या तो आप पहले बदतमीज़ी मत करो, बात खत्म। अगर आप नहीं करोगे बदतमीज़ी से तो मैं भी रिप्लाई बदतमीज़ी से नहीं करूँगी। और मैं वैसे भी मैं बहुत ही, वो तो मेरे दोस्त, अभी मैं वीडियो डालूंगी वो आप खुद ही सुन लेना कि क्या बोलना चाहते हैं वो, और हर व्लॉग के लास्ट में डलेगी 2-3-4 जब मेरा मन करेगा। क्योंकि देखो अपने मुँह मिट्ठू तो सभी बनते हैं ना, दोस्तों मेरे दोस्तों को तो आप नहीं जानते ना, मेरे दोस्त आप लोगों को जानते हैं। उनसे मैंने सिर्फ इतना टास्क दिया था कि एक अच्छी एक बुरी बात बोलो, तो उन्होंने जो बोला है विदाउट कट वो वीडियो में डालूंगी। तो यही मेरा आज का मोटो है और यही मेरी आज की बात है, और हर दिन ये वीडियो डलेगा क्योंकि भाई मेरे दोस्त भी बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, जिस जिसने मुझे वीडियो दी उन उनका मैं डाल रही हूँ, और जिन जिनकी आती रहेगी उनका भी डालूंगी, क्योंकि मुझे भी प्रूफ करना है कि दोस्ती क्या होती है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखो भाई, अगर मैं हिमा की अच्छाई की बात करूँ तो द बेस्ट थिंग इज कि वो लाइक किसी की बात को दिल से नहीं लेती। हाँ मतलब थोड़ा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, बट हाँ किसी की बात को दिल से नहीं लेती है। हेमा दी की एक अच्छी बात, वो बहुत केयरिंग है, बहुत हेल्पफुल है, और जब भी मुझे नीड हुई तब वो सबसे पहले मेरे पास आई हैं। सबसे पहले वो खड़ी थी, चाहे कोई भी बाद में हो, बट सबसे पहले वो खड़ी थी। वो मेरी बहन से ज़्यादा बढ़कर, मेरे लिए बहन से ज़्यादा बढ़कर है। बहुत अच्छी है, बहुत मतलब काम है, बहुत अच्छी इंसान है वो। और एक बुरी बात, बुरी बात तो कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से उनमें। हाँ बस ये जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्से वाली है वो, वैसे बहुत अच्छी है, बस गुस्सा है। हेलो हाय डियर, मेरा नाम है नेहा, और हेमा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी किसी को भी ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, वो सबसे आगे रहती है, और उसका नेचर ऐसा है कि मतलब जो भी मन में है वो फटाक से बोल दिया। ये नहीं है कि चापलूसी करो, बटरिंग करो, उसको ऐसे कुछ करना नहीं आता। और उसका नेचर मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि कोई भी, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो उसका मतलब फ्रेंड है, चाहे कोई भी लगा लो दुश्मन है, अगर कोई एक बार उसको दोबारा से बोल देता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, तो वो सबको माफ़ करके मतलब स्टार्टिंग से कुछ भी चीज़ स्टार्ट करती है। तो मुझे ये हेमा की आदत बहुत अच्छी लगती है, और उसके ब्लॉग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती है। चाहे कोई भी उसके कमेंट करे कि वो हेल्दी है कुछ है, वो मन में नहीं लेती, अगर मन में लेंगे तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही रहना चाहिए बंदे को, खुश रहो, हैप्पी रहो, और दूसरे को भी खुशी बांटो। अब लोगों का काम क्या है, लोग तो बोलते रहते हैं। थैंक यू हेमा। आदत ख़राब ये है कि उसको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, पर यह है कि वो किसी की बात को मतलब दिल पे नहीं लेती, बस थोड़ा बहुत थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है बस, बाकी अदरवाइज़ तो वो सबसे बेस्ट है। और वो मतलब ना किसी का सुनती है ज़्यादा, जितना है ठीक है, अपनी फैमिली के लिए हर कोई सुनता है, बट ये है कि कोई फालतू के कमेंट करे तो वो कभी मतलब क्या बोलूँ आपको मैं कि नेगेटिव रहती है, पॉजिटिव नहीं रहती। जैसे लोग होते हैं ना पॉजिटिव में चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब कोई से कुछ भी बोले कि मोटी है, हेल्दी है, काम अपने पति से करा रही है, पर वो किसी का मतलब माइंड पे नहीं लेती। बाकी ये है कि उससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता।